सो इट्स गिव अवे टाइम। और आज के वीडियो में मैं गिव अवे कर रही हूँ सेट्योर का ये स्नेल म्यूसिन कॉलेजन बूस्टिंग स्किन केयर सेट। सो अगर आप इसे अवेल करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे अवेल कर सकते हो। हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। प्रोडक्ट रिव्यूज करेंगे एज यूजुअल, और काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास रिव्यू करने के लिए। कुछ मैं आपको आज दिखाऊंगी और उनको रिव्यू नहीं करेंगे, और एक स्किन केयर सेट को हम रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ बायो एक्वा की राइस रॉ पल्प स्किन केयर सेट है ये, ठीक है, इसको रिव्यू करेंगे हम, और बट आज नहीं। नेक्स्ट है मेरे पास रोज़ हाइलुरोनिक एसिड की स्किन केयर सेट, जो कि बायो एक्वा की ही है, इसे भी हम आज रिव्यू नहीं करने वाले हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थर्ड वन है मेरे पास सेट्योर का स्नेल कॉलेजन बूस्टिंग स्किन केयर एंटी रिंकल सेट, तो इसे आज हम रिव्यू करेंगे और इसे यूज़ भी करेंगे। सबसे पहले इसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मुझे इनकी पैकेजिंग कैसी लगी है, इनका टेक्सचर कैसा है, सो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देखते हैं, तो इस बॉक्स की पैकेजिंग, ये पूरा 6-in-1 प्रोडक्ट्स का पैकेज आता है एक बॉक्स में, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी पैकेजिंग है। जब आप इसे इस तरह से ओपन करते हो तो इसमें ये 6 प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका क्लिंजर होता है, टोनर है, फिर आपका सीरम है, आई क्रीम है, फेस क्रीम है, और एक अदर लोशन है। सबकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी स्लीक सी, क्लासिक सी ग्लास पैकेजिंग है ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके क्लेंजर के बारे में। नॉट सो ड्राई, सूथिंग सा मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट है इसका, जेंटली क्लीन करता है, एंटी एजिंग है, काफ़ी हाइड्रेटिंग सी स्किन हो जाती है। सो जब आप इसे यूज करते हो तो फोम इतना डेंस और डेलिकेट सा होता है, जो कि आपकी सारी डर्ट और ऑयल को स्किन से बाहर कर देता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास इसका सिरम, और सिरम भी इसके जो प्रॉपर्टीज है, स्किन को टाइट करता है, रिंकल को फेड आउट करता है, फ्रेकल्स फेड आउट करता है, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, बहुत ही क्विकली पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, फिल द फाइन लाइंस, एंटी रिंकल है, बहुत ही लाइट सा इसका टेक्सचर है, और का हाइड्रेटिंग सा, काफ़ी प्लम्प सा इसका इफेक्ट है। जब आप इसे मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हो स्किन को थोड़ा ड्यूई लुक देने के लिए। मेरे पास इनका टोनर, और ये आपके फ्रेकल्स को फेड आउट करने में हेल्प आउट करता है, एंटी रिंकल है, एंटी एजिंग है, काफ़ी हाइड्रेटिंग सा है, डीप रिपेयर करता है, और काफ़ी रिफ्रेशिंग सा, हाइड्रेटिंग और नरिशिंग सा इफेक्ट है, इंक्रीज करता है आपके स्किन मॉइस्चर को। है मेरे पास इनका फेस क्रीम, और इसके इफेक्ट भी सूथिंग, एंटी रिंकल है, ये आपके फ्रेकल्स को फेड आउट करता है, एंटी एजिंग है, बहुत ही मॉइस्चराइज टेक्सचर है इसका, डीप मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इसका, फॉर्मली लॉक द स्किन मॉइस्चर, एंटी रिंकल है, टाइट करता है आपकी स्किन को, फाइन लाइंस पे काम करता है, डल स्किन को इम्प्रूव करता है, स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो काफ़ी जेल क्रीम टाइप का टेक्सचर है, और 50 ग्राम्स की ये इसकी जार है, और काफ़ी अच्छा सा इसका टेक्सचर है, बहुत ही हाइड्रेटिंग और मॉइस्चर कर देता है आपकी स्किन को। अच्छा, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास इसकी आई क्रीम है, आपके डार्क सर्कल को फेड आउट करता है, फेड रिंकल्स और जो आपके आई बैग्स बन जाते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है। लास्ट मेरे पास इसका लोशन है, अगेन ये आपके रिपेयर करता है स्किन को, एंटी रिंकल है, एंटी एजिंग है, और काफ़ी हाइड्रेटिंग से इफेक्ट हैं इसके भी, और ये मेरी स्किन केयर रूटीन का लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं अप्लाई करूँ। मैं अभी इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके भी आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैं अपना स्किन केयर स्टार्ट कर रही हूँ, और सबसे पहले मैं क्लेंजर यूज करूंगी।
क्लेंजर लगाने से मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है, जो कि नॉर्मली क्रीम क्लेंजर से हो जाती है। मैंने फेस वॉश कर लिया और फेस वॉश करने के बाद मैं लगाऊंगी सिरम। बाय द वे मैं टोनर लगाना भूल चुकी हूँ। सो एनीवेज अभी मैं सिरम लगाऊंगी और इसका सिरम भी बहुत ही हाइड्रेटिंग सा इसका इफेक्ट है। लगाने के बाद काफ़ी अच्छे से प्लम सी मेरी स्किन हो गई थी, ठीक है, और पोर्स को भी ये श्रिंक करने में हेल्प आउट करेगा। काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके सिरम में, ना सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी। अच्छा, इसके बाद ये क्रीम थी और क्रीम का टेक्सचर, यार दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट ये पूरी किट के अंदर, बिकॉज इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। इतना स्मूथ हाइड्रेटिंग सा और इतना मॉइस्चराइजिंग से इफेक्ट है इसके, विदाउट मेकिंग योर स्किन ऑयली, और वो जो एक टैकी सा हो जाता है वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही अच्छे से हाइड्रेटिंग से इफेक्ट है इसके। सो आई लाइक दिस क्रीम वेरी मच। आप इससे अलहदा से भी ले सकते हो, अगर आप पूरी किट नहीं लेना चाह रहे तो इस पर हाईली रिकमेंडेड। इसके बाद ये आई क्रीम है। आई क्रीम भी ओके थी, बिकॉज मैंने एक ही दफ़ा भी लगाई है तो इसका टेक्स्चर मुझे अच्छा लगा है। क्रीमी टेक्स्चर है, काफ़ी अच्छा सा हाइड्रेटिंग सा टेक्स्चर है, और अंडर आइज़ पर आप अपने आइज़ पर अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके इफेक्ट लगाते रहोगे काफ़ी टाइम तक तो तभी आपको नज़र आएगा। लोशन भी इसका काफ़ी अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग था, यार ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इसके, और मैं इसे अपने नेक पर, चेस्ट पर और अपने हाथों पर यूज़ करी। तो लेट्स सी इसके कैसे रिजल्ट्स होते हैं। फर्स्ट टाइम में तो मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे। सो या इट्स डन। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप ये गिव अवे अवेल कर सकते हो। सब कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट को मेंशन करो, मैं एक रैंडमली कमेंट उठाऊंगी और उसे टैग भी करूंगी, और उसके बाद आपका पार्सल आपको भेज दिया जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।